हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एस्टर डीएम हेल्थ केयर की ओर से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुका है, अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है। क्वार्टर एंडेड और फाइनेंशियल ईयर एंडेड के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, जो कि इस बार का कंपनी का हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। नंबर जो है करोड़ में दिए गए हैं। इनकम है कंपनी का, अगर देखा जाए तो इस बार जो इनकम जनरेट किया है 1121.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1050.5 करोड़ का, लास्ट ईयर में 933 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों का इनकम इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस 960.4 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 927.8 करोड़ का और लास्ट ईयर में 869 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 158.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 119.9 करोड़ का और सितंबर 23 में 61 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 105.7 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 81 करोड़ का, लास्ट ईयर में 52.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तो प्रॉफिट इंक्रीज किया, देखिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कंपनी का प्रॉफिट नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कंपनी का प्रॉफिट में डाउन है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 5152 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि 5071 करोड़ का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार जो है 105.7 करोड़ का ही प्रॉफिट और लास्ट ईयर में 15.3 करोड़ का लॉसेस था। तो यहाँ पे गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन हो गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कंपनी का प्रॉफिट जो है सो डाउन हुआ है, और ईयर ऑन ईयर में कंपनी का प्रॉफिट में भी जो है सो इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। EPS 1.94 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 103.19 रुपीज का, लास्ट ईयर में -0.62 रुपीज का EPS है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, यहाँ पे इनकम में तो नो डाउट इंक्रीज कर, लेकिन एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होने के कारण कम एक्सपेंस में इंक्रीज किया, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया, मतलब कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से प्रॉफिट इंक्रीज किया, बट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से पिछले क्वार्टर में कंपनी को गेन हुआ था, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत बुरी तरह से गिरावट आया इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और होलसेल, फार्मेसीज एंड अदर्स, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर में तो इंक्रीज है, लेकिन ये एवरेज इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है। ईयर ऑन ईयर में डाउन होने का रीजन क्या, देखिए कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, तो ओवरऑल गाइस कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया। ओके रिजल्ट अब देख रहा है ये कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन चांसेस गाइस कल के दिन अगर ये कंपनी का जो शेयर है ना कल के दिन अगर निगेटिव लेता आएगा तो ये होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन होने की वजह से। अगर हम शेयर की बात करें 403.8 रुपीज में शेयर क्लोज किया है, 0.3% का लॉस है, 5 डे में 6.2% का लॉस है, 1 मंथ से 4% का लॉस है और 6 मंथ से 5% का प्रॉफिट है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है, जो कि गाइस अगर हम बात करें कंपनी जो बहुत बड़ा सपोर्ट लिया, लगभग अगर देखा जाए तो 405 के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और अभी एक सपोर्ट बनाता हुआ देखने को मिला। कल के दिन पॉजिटिव ओपन होता है तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।